अब गिरिजा टिक्कू के जीवन पर एक फिल्म में एक प्रति आया। मैं आज कहना चाहती हूं कि कांग्रेस के कुछ प्रवक्ताओं ने उसको प्रोपेगेंडा कहा। सरला भट्ट, आप नहीं चाहते कश्मीरी पंडितों की दास्तान कहीं सुनाई जाए, आप नहीं चाहते वो आइडेंटिफाई हो एज विक्टिम्स। सरला भट्ट मेडिकल स्टाफ थी, 90 के दशक में उसको उसके इंस्टीट्यूट से अगवा करके गैंग रेप किया गया और सड़क के किनारे रखा गया। आज मैं पूछना चाहती हूं कि एक तरफ इनकी अलायंस के लोग हिंदुस्तान को विभाजित करने की बात करते हैं, ये आज अपने आप को इंसाफ के पुजारी बताते हैं, लेकिन मुझे बताइए गिरिजा टिक्कू सरला भट्ट को कब इंसाफ मिलेगा? हर गली हर मोहल्ले में एक स्लोगन गूंजता था पंडितों के बीच, रलीव सलीव गली। पुनः कहती हूं, रलीव सलीव गलीव। आप चिल्लाना बंद करें, समझे पहले, रलीव सलीव गलीव। या तो अपना धर्म बदलो, या कश्मीर छोड़ो, या यहीं मरो। उनकी आवाज भारत की आवाज नहीं है, उनकी आवाज को आपने कभी नहीं सुना। मैं आज कहती हूं, इन्होंने कहा अश्रु बहाए, भ्रमण किया 84 के दौरान में, मुझ जैसे कई लोग देश की राजधानी में थे और किसी का वक्तव्य ना सुने अध्यक्ष जी। एक पत्रकार है प्रणय गुप्ता, उन्होंने लिखा कि सिख बच्चों को कैस्ट्रेट करके उनके अंगों को उनकी मां के मुंह में ठूसा गया। आज बोलती हूं, त्रिलोकपुरी में 30 औरतों को इकट्ठा करके चीला गांव में ले जाकर उनका बलात्कार किया। सुल्तानपुरी में एक महिला ने एफिडेविट दी है, मेरे हस्बैंड को मार दिया, बेटी को शादी से एक रात पहले उठाकर ले गए और उसका बलात्कार किया। एक 45 साल की मां ने कहा सिख दंगों के दौरान कि ना सिर्फ मेरे पति को मारा, ना सिर्फ मुझे गैंगरेप किया, बल्कि मेरे सामने मेरे बेटे पर केरोसिन छिड़क कर उसको आग लगा दी गई। और आज भारत की बात करते हैं, कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक 130 दिन चल रहे थे। मैं जोड़ों के दर्द पर भाषण नहीं दूंगी अध्यक्ष महोदय, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जिन वादियों को हिंदुस्तान ने खून से सना देखा है, जिन वादियों में गोलियों की आवाजें हर दिन सुनाई देती थी, जब ये उन वादियों में गए तो जैसे कश्मीरी कहते हैं शीन जंग कर रहे थे, बर्फ के गोलों के साथ अपने के किसी परिजन के साथ खेल रहे थे। अध्यक्ष महोदय, ये तब संभव हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 हटाई। आज इस सदन में उल्लेख हुआ है कि ये गए हैं, आई बीन टू मणिपुर, यू माइट हैव नॉट बीन। आज इस सदन में उल्लेख हुआ है कि ये यात्रा में गए और यात्रा में क्या आश्वासन दिया कि अगर इनका बस चले तो धारा 370 ये पुनः स्थापित कर दे।